दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिन पहाड़ों पे घूम के आके और अब आज मैं अपने बागवानी में 2 दिन से लगी हुई हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हार्वेस्टिंग के लिए मिल रहा है। पहले तो मैं आपको सिर्फ पौधे लगाते हुए दिखाती थी, आजकल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ। तो अभी तो खैर ये खरबूजा हार्वेस्टिंग के लायक नहीं हुआ है, तो ये खरबूजा है देखिए। और साग तो मैं तोड़ी थी लेकिन मैं आपको दिखाई नहीं, साग और मिर्ची मेरा हुआ था और सहजन भी हुआ था, तो थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग होती है तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। तो आज अच्छा खासा हार्वेस्टिंग है और आप देखिए कि क्या क्या हार्वेस्ट हो रहा है। कलांधी आया था तो ये देखो, ये थोड़े से सहजन मेरे निकले हैं। अगर छत पे इतने भी सहजन हो रहे हैं तो बहुत है। और एक तो पहले भी मैंने तोड़ा था, तो और सहजन, मिर्ची, बैंगन, ये सब मेरा हार्वेस्टिंग चलते चलता है। तो ये देखिए मिर्ची कितना अच्छा और बिल्कुल हेल्दी हो रखा है। तो ये मिर्ची का मोटा मोटा वाला है ना, तो आज मिर्ची की हार्वेस्टिंग है और आप देखते जाइए हम कितनी मिर्ची तोड़ते हैं। और मिर्ची है और भी चीज़ें हैं, आप देखिए। मैं आपको शुरू में ही नहीं बताऊंगी कि क्या क्या हार्वेस्ट करना है। तो मिर्ची के अलावा और भी चीज़ें हैं हार्वेस्टिंग के लिए, लौकी है, बैंगन है, तो सब चीज़ में। ये छोटा है पर मोटा वाला मिर्ची है। तो मिर्ची के अलावा मैं और भी चीज़ें हार्वेस्ट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो देखिए कितना हेल्दी मिर्ची है, बगैर खाद, बगैर किसी चीज़ का, बगैर केमिकल का। तो और मिर्ची शिमला दोस्तों, और देखो उसके बाद करेला भी हो रखा है। ये करेला ख़राब हो जाएगा तो करेला की भी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ये देखिए करेला, तो ये करेला है और वो छोटा है। चलो तोड़ दो, छू दिए हाँ भाई यार, छोड़ तू छू दिए तो तोड़ दो, है ना। तो ये करेला है, करेले की हार्वेस्टिंग है। मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मेरे लिए तो निकल ही गया। एक और करेला का पौधा हो गया तो भी फलते रहता, लेकिन वो गलती से ना उसका उखड़ गया था तो फिर से लगने में टाइम लग रहा है। तो ये करेला हो गया, देखो ये कुल्फा का साग भी हो गया है, लेकिन हम एक साथ कितनी चीज़ें यूज करेंगे इसलिए हम नहीं उसको तोड़ रहे हैं। तो और फिर एक और ये मिर्ची है, ये भी काफ़ी अच्छी हेल्दी मिर्ची है, तो इसको भी तोड़ ले रहे हैं। और मिर्ची और भी हुआ है लेकिन हमें ज़्यादा तो क्या करेंगे एक बार में। तो ये भी मिर्ची है, देखिए ये सर मिर्ची खूब हुआ है मेरा। और बैंगन भी देखो अच्छे खासे हो रहा है, देखो बैंगन कितना सारा बैंगन हुआ है, लेकिन इतने सारे बैंगन को हम तोड़ेंगे नहीं, और भी बैंगन हुआ है। तो और बैंगन हुआ है उसको तोड़ते हैं, जो ख़राब हो रहा है उसमें एक बिया बीज के लिए छोड़ देंगे। और सेम भी हुआ है, लौकी भी हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए इसमें क्या क्या है, सहजन, करेला, मिर्ची और बैंगन। देखिए ये बैंगन अभी छोटा छोटा है तो ये बैंगन अभी नहीं तोड़ रही हूँ मैं, तो ये वो छोड़ दो बीज के लिए। तो एक मोटा ये इसको बीज के, हाँ बाकी हम तोड़ लेंगे। तो ये बैंगन है, अच्छा खासा हो रखा है बैंगन। तो ये देखिए ये बैंगन है ना, हेल्दी बैंगन है बिल्कुल। तो मोटा बैंगन है उसको नहीं तोड़ेंगे, और भी है इसमें बैंगन, और भाई उधर साइड है और भी बैंगन है, बैंगन है लेकिन हम तोड़ेंगे नहीं ज़्यादा, है ना। तो तोड़ लो मोटा वाला भी तोड़ लो, फिर बाद में छोड़ेंगे भी, है ना, वो भी तोड़ लो छोटा भी। तो ये बैंगन है और सेम के साथ डाल के बन जाएगा, है ना। तो ये बैंगन है और साग तो मैं डेली तोड़ रही हूँ, और ये कुल्फा का साग भी अब तैयार हो रहा है लेकिन अभी नहीं तोड़ूंगी। ये भी दूसरा करेला का पौधा है जो खड़ गया था, देखिए कितना अच्छा एक पौधे में कितना बैंगन फला है। इसको मैं बाद में तोड़ने वाली हूँ, आज नहीं तोड़ूंगी। ये भी बैंगन है, ये भी, इसको मैं नहीं तोड़ूंगी। तो अब आइए, अब इसके बाद है थोड़ा सेम, सेम थोड़ा तोड़ के भी रखी हूँ, और ये भी थोड़ा सेम है जो बैंगन के साथ मिला के बन जाएगा। तो ये सेम है, सेम है, ये सेम है, और इधर भी कुछ सेम को देखिए। इन दिनों सेम नहीं होता, लेकिन पता नहीं किस तरह का मौसम हो रहा है कि भिंडी का पौधा मर जा रहा है। दोस्तों ये आज की मेरी हार्वेस्टिंग चल रही है। ये पोई का पत्ता है, ये काफी बड़ा बड़ा और हेल्दी है, तो इसको भी मुझे तोड़ना।